अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सबके दुआएं हैं, हम खैरियत से हैं, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। आज हम डायमंड्स कुकिंग में बेसन के लड्डू लेके आए हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, शुगर, शक्कर है, ये शक्कर का पाउडर है, ये घी है असली, ड्राई फ्रूट्स काट के रखी, में कटे हुए ड्राई फ्रूट्स है, ये पूरे काजू, बादाम, पिस्ता, सभी चीज़ों को मिक्स करके काट के रख ली मैं। अब आपको बनाना बताऊंगी। चूल्हा ऑन कर दी मैं, कढ़ाई रख दी। अब इसके अंदर अपन घी डालेंगे, इसको घी अच्छा सा लगता, असली घी है ये। घी को ज़रा गर्म होने देंगे अपन। बेसन को मैं पहले से छान के रख ली थी। बेसन कभी भी आप छान के यूज़ करना। बेसन को अच्छी तरह से मैं छान के रख ली थी बेसन को। अब ये बेसन है, घी में फ्राई करेंगे अपन। इसको फ्राई करना रहता है, इसको अच्छा तलना रहता है, बेसन को भुनना नहीं रहता, बेसन को अच्छा लाल तले जाना रहता, घी अच्छा होना है इसको। घी कम दिख रहा, अपन अभी ऐड करेंगे घी इसमें। घी में अच्छे तरह से भून लेंगे इसको अपन। बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होते हैं ये लड्डू, बेसन के लड्डू है ये। अच्छा लाल भुने जाना है, ये गोल्डन होना है इसका कलर। अच्छी तरह से भून लेंगे इसको अपन। बहुत इजी है, बहुत इजी रेसिपी है ये। बहुत बेसन के लड्डू और बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत ताकतवर रहते हैं बेसन के लड्डू। ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे भूनते वक्त ही अपन। इसमें ज़रा ऐसा हाथ से मसल के डालेंगे ज़रा ड्राई फ्रूट्स को। सब डाल के भून लेंगे फिर एक बार। घी अपन डाले सो पूरा अच्छा भुने जाना, भुने क्या तो खुद बखुद अपना ये घी साइडों से छूटता अपना, ये तब भुनना ये बेसन अच्छी तरह से भुने जाना बेसन पूरा। अपन पहले डाले तो बेसन में घी नहीं दिख रहा था, देखिए आप। अब मैं भून रही हूँ अच्छा, तो घी खुद ब खुद इसका बेसन को छोड़ दे रहा घी। ये इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर ऐड करूँ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून फुल भर के डाली मैं इलायची पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अच्छा अपना ये बेसन और घी अच्छा भुने जा रहा, ये देख सकते हैं आप। अच्छा देखिए घी पूरा घी छूट गया बेसन से, देखिए आप साइडा भी देख सकते हैं। अभी ज़रा भून लेंगे अपन इसको, गोल्डन होना है नहीं, पूरा गोल्डन हुए तो भूनेंगे। अच्छी तरह से भुने गया अपना बेसन, देख सकते हैं कलर अपना गोल्डन हो गया बेसन का पूरा। अच्छी तरह से भुने गया अपना बेसन, देख सकते हैं घी भी कितना अच्छा छूट गया। देखिए आप साइडों से पूरा घी छूट गया है। तब भुन लिया अपन बेसन को, अब इसको एक बॉल में निकालती हूँ मैं ठंडा होने के लिए। अपना बेसन अच्छी तरह से भुने गया, मैं इसको एक बॉल में डाल दे रही हूँ बेसन को। ठंडा होने के बाद अपन इसमें शक्कर मिलेंगे, देखिए आप घी कितना अच्छा छूटा अपना, कितना अच्छा भुने गया, कलर कितना अच्छा है बेसन का। बस यही कलर चाहिए अपने को, इसमें अपन खाली घी डाले, बेसन छान के बेसन को भून लिए। भूनते वक्त ड्राई फ्रूट्स ऐड करें अपन और इलायची पाउडर ऐड करें, जरा ठंडा हुए बाद फिर अपन इसमें शक्कर पाउडर ऐड करिए। अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है बेसन को, देखिए आप अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसमें अपन शुगर ऐड करेंगे, शक्कर, ये शक्कर पाउडर है ये, इसको ऐड करेंगे अपन। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए, जरा शक्कर अच्छी रही तो लड्डू अच्छे दिखते अपने। शुगर पाउडर ऐड करी मैं इसमें, इसको हाथ से मिला लेंगे अपन। इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैं छोड़ दी थी इसको ठंडे के लिए, ठंडा अच्छा हो गया अपना। इसको ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, ज़्यादा भी ठंडा करे तो फिर लड्डू बनने टाइम लगता अपने को, और लड्डू सही नहीं बनते और शक्कर अच्छी मिक्स नहीं होती इसमें। ये भी पाउडर ऐड कर देंगे इसमें, अच्छे तरह से मिक्स करेंगे इसको। अच्छे तरह से मिक्स हो चुका है ये, इसको अपन बॉल्स के जैसा बना लेंगे, लड्डू के जैसा। आपको जो साइज चाहे आप वो साइज रख सकते हैं इसका। देख सकते हैं आपका लड्डू बन के रेडी हो चुका है, कितना अच्छा लड्डू बना, देखिए आप बेसन का लड्डू, ये हलवाई के जैसा लड्डू है, ये हलवाई की शॉप पे मिलता है आपको ऐसा लड्डू। ऐसे ही बना लेंगे अपन लड्डुआ, आपको जितना साइज चाहिए आप उतना साइज रख सकते हैं इसका। बहुत हेल्थी रहता है ये लड्डू। बहुत इजी है बनाना ये रेसिपी। ऐसे ही सभी बना लेंगे लड्डू अपन, सभी बन के रेडी कर लिए हैं अपन, देख सकते हैं लड्डू कितने अच्छे बन के रेडी हुए अपने।
सभी लड्डूआ लिपट दी है अपने एक सर प्लेट में निकाल के सर्व करके बताऊंगी मैं लड्डू को। मैं एक प्लेट ले ली, सर्विंग प्लेट ले ली, इसमें पूरे लड्डू अपन जमा लेंगे। इसमें ये मेरे पास वरक है चांदी का, सिल्वर वरक भी बोलते हैं इसको, ये चांदी का वरक है मेरे पास। पूरे लड्डू को मैं अच्छी तरह से लगाई, देख सकते हैं अपने बेसन के लड्डू बन के रेडी है। आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मैं इसको तोड़ के बताऊंगी एक बार, देख सकते हैं तो ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ अपना लड्डू। देखिए मैं खा रही हूँ लड्डू, वाओ वंडरफुल, ज़बरदस्त बन के रेडी हुए अपने बेसन के लड्डू। प्लीज़ लाइक करिए मेरी रेसिपी को, जब तक कि अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी फिर।